सामने की तरफ जो दिख रहा है यही स्कूल है, तो चलते हैं थोड़ा और पास, तो इधर से आगे तक पूरा फैला पड़ा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अभी दोपहर के 2:30 बज चुके हैं, मतलब व्लॉग स्टार्टिंग करने में थोड़ी देर हो गई आज, क्योंकि कल जल्दी कर दी थी ना, तो बैलेंस करने के लिए देर जल्दी करनी पड़ती है। तो अभी मम्मी बस लेटी हुई है आराम से, अपनी मतलब काम करके लेटी हुई है, और मैं टीवी देख रहा हूँ, और भैया पार्थ को खिलाने गया, मतलब बहुत धूप हो रही है बाहर, देखते हैं क्या कर रहे हैं लोग। देखो वहाँ पर खेल रहे हैं लोग, और देखो पूरे कपड़े गिर गए यहाँ पे, क्या हुआ जल्दी। मतलब भैया खाना बना रहा है आज का दोपहर का, क्या बना रहा है, क्या बना रहा है, चावल। तो अभी चावल बन रहे हैं, और पूरा खाएंगे चावल, छोले 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 खाया, छोले पार बंद कर रहा है पार्थ। पार्थ खाना खाएगा, ऐसे कौन खिलाता खाना, खाना खाएगा, आगरो 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 आगरो। तो गाइस अभी शाम के 5 बज रहे हैं, और आज मतलब हमारे घर के जो मतलब बाहर को ना, घर के बाहर को एक पाइप लगा हुआ है जहाँ से मतलब टैंक में पानी चढ़ता है, तो उसमें क्रैक आ गया है, तो पता नहीं उससे सारा पानी वेस्ट हो रहा है बाहर निकल निकल के, तो काफ़ी सारा पानी वेस्ट हो गया वैसे तो, और टैंक में भी नहीं चढ़ पा रहा है, तो इसलिए टैंक पूरा खाली पड़ा है, तो मैं भी दिखाता हूँ चल के। तो गाइस यहाँ से पूरी पाइपलाइन फट गई है, और यहाँ से पूरा पानी निकल रहा है, तो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ध्यान दिया इसको, वैसे तो जब मम्मी फिजियोथेरेपी वाले पे गई थी ना, तो बस वहाँ से जब आए तभी देखा, तो अभी अंकल तो आए हुए हैं वैसे, अब देख रहे हैं, तो देखते हैं कब तक पूरा ये सही होता है, कितना सारा पानी वेस्ट हो गया यार, और टैंक में भी नहीं चढ़ रहा है, इसलिए हम यूज़ भी नहीं कर सकते पानी। तो अभी वो लोग तो बाहर देख रहे हैं सारा सामान जो भी चाहिए उसे रिपेयर करने के लिए, उस पाइप को पूरी पाइप लाइन वहाँ से मतलब क्रैक हो गया है या फिर टूट गया जो भी है, तो मतलब जो मतलब नाली साफ करने जो लोग आते हैं ना स्वीपर लोग, तो उन्होंने तोड़ दिया है वो, मतलब वो साफ़ कर रहे होंगे ना, तो उनका कुछ लगा होगा सिस्टम सिस्टम जो भी होता है जिससे भी साफ़ करते हैं, तो अंदाजा तो यही लगा रहे हैं वैसे, बाकी जो भी हुआ वो तो हमें पता नहीं, क्योंकि वैसे 90% चांस इसी बात के हैं। और कृष्णा यहाँ पर कुछ बैठा हुआ बना रहा है, ये जलने की बदबू आ रही है, मतलब जलेगा पता नहीं क्या बना रहा बैठा हुआ, और बाहर तो अभी सोया पड़ा अपना मस्त, इधर अपना गर्मी हो रही है, तो यहाँ पर मतलब जैसे एक बेडशीट उड़ाई थी खाली पतली सी, क्योंकि ब्लैंकेट तो उड़ा नहीं सकते, और क्योंकि मतलब गर्मी से आ गई है ना काफ़ी ज़्यादा, और हाफ टी शर्ट पहनने के दिन आ रहा है, ये रोक के बनता हुआ, तो इसीलिए ब्लैंकेट तो उड़ा नहीं सकते, इसलिए खाली बेडशीट उड़ा रखी थी, लेकिन उसे वो भी पसंद नहीं आई, वो भी उतार के फेंक दी पूरी। तो कल मैं पारस के घर जाने वाला था, लेकिन जा नहीं पा रहा था, इसलिए आज जाऊंगा, जहाँ तक है अभी थोड़ी देर में, वैसे पहले ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए उसके बाद चलते हैं। तो गाइस अभी वो जो बाहर पाइप टूट गया था वो तो रिपेयर हो गया किसी तरह से, तो मैं दिखाता हूँ पहले, और उससे पहले एक और बात ज़रूरी सूचना देना चाहूँगा कि गर्मियों का मौसम आ गया है, ऐसा मैं अपनी वीडियो में कई बार बोल चुका हूँ, तो हम लोगों को अंदर से गर्मी लग रही है, इसलिए हम लोग आइसक्रीम लेने जा रहे हैं, बस और कुछ नहीं है, जरूरी सूचना ऐसे वैसे कुछ नहीं है, जानलेवा सूचना है, जानलेवा सूचना है। तो मैं पाइप दिखाता हूँ पहले कैसे रिपेयर करा है, बाकी मेरे को लग नहीं रहा कि ऐसे रिपेयर करा है, लेकिन कर दिया, मतलब जो जो काम जानता वो उस काम के लिए मतलब अलग अलग तरीके जानता ना रिपेयर करने के, तो बड़ा टैलेंट है। यहाँ पे जहाँ से पाइप टूट रहा था वहाँ से पूरा काट दिया बीच में से, और एक नया पाइप बीच में फिट करके यहाँ पे से ये पता नहीं क्या क्या लगा के सिस्टम, बाकी मैंने देखा नहीं रिपेयर होते हुए, मैं तो अंदर बैठा हुआ था और कर दिया रिपेयर, बस मतलब चलते हैं जल्दी से आइसक्रीम लेके आते हैं और फिर आके खाएंगे। तो गाइस अभी आइसक्रीम तो लेके आ गया हूँ मैं, तो ये सचमुच आम करके गए आइसक्रीम है, अब देखते हैं इसके अंदर सचमुच का आम है भी या नहीं है, क्योंकि आम का सीज़न तो अभी आया नहीं है मतलब इनके लिए तो आ ही सकता है यार, ये लोग स्टोर करके रखते हैं ना सारी चीज़ें, तो मतलब पापा और मतलब मैं और कृष्णा लेके आए थे, तो मैंने अपनी आइसक्रीम पापा को दे दी, फिर मैं अपने लेकर और लेके आ गया, तो इन लोगों ने तो खा के निपटा भी डाली, मेरे लिए रुक नहीं सकते थे तो मैं अभी खाता हूँ, फिर उसके बाद अभी हम सोच रहे हैं कहीं घूम के आएंगे थोड़ा बहुत, ऐसे मतलब बहुत बोर हो रहे हैं हम 3-4 दिन से घर पर पड़े पड़े, तो पापा के चलेंगे वो थोड़ा बहुत घूम के आएंगे। तो गाइस अभी मेरे को पूरी आइसक्रीम भी नहीं खाने थी, और कृष्णा कह रहा जल्दी चलो, तो घूम के आते हैं, और मम्मी हमारे गेट बंद करने आई है, मम्मी तो जा नहीं सकती पता नहीं क्यों, मम्मी के जाना नहीं चाहती,
पता नहीं क्या, तब जाना शुरू कर रही गई। पार तो अभी तक सो रहा है अपने मजे से, हम लोग चलते हैं फिलहाल। आज द्रोण सागर नहीं जाएंगे, बहुत बोर हो गया हमारे। आज किस नई जगह चलते हैं, देखते हैं आज पूरे शहर में जहाँ नहीं गए आज तक वहाँ चलेंगे। अभी हम ऐसे ही घूम रहे हैं बस इधर उधर, और हमने अभी सोचा कि हम मतलब जो मेरा स्कूल है ना वहाँ पर जाते हैं। तो मतलब दिन में तो हम काफ़ी बार गए हैं, रोज़ जाते हैं स्कूल, लेकिन इस टाइम वैसे छुट्टियाँ चल रही है अभी तो आज जाके देख के आते हैं कैसा हो रहा है, शाम के टाइम का क्या है सीन होता है मतलब स्कूल का। सब कुत्ता खिला रहा है, तब खतरनाक सा लग रहा है। पहले देख रहा मैंने कहा कुत्ता ये है कुछ और। नॉर्मली वैसे जो बाहर स्ट्रीट डॉग जो घूमते रहते हैं वो इतने बड़े होते नहीं हैं, छोटे छोटे से होते हैं, लेकिन इतना बड़ा देखते हैं अजीब सा लगा। तो चलते हैं फिलहाल पहले स्कूल की तरफ, फिर उधर से दो चार मंदिर भी उधर भी चले जाएंगे। वहाँ पे आसपास मेले की तैयारियाँ चल रही होंगी, मतलब यहाँ पे मेला लगता है ना चैती मेला करके, तो अभी चैत्र का महीना आने वाला है तो उसमें लगता है नवरात्रों के बाद। वहाँ पर देख के आते हैं कुछ तैयारियाँ चल रही हैं कुछ नहीं चल रही हैं। जहाँ पर पहले गए थे शिवरात्रि के मेले में, वो ब्लॉग देखना आप जाके, उस ब्लॉग में जो मैंने मेला दिखाया था वहीं पे लगता है। तो मतलब वहाँ के झूले लगे थे उस दिन, वो तो वैसे के वैसे वहीं पे रखे हुए हैं। और वैसे न्यूज़पेपर में भी आया था कि इस साल लगेगा, क्योंकि कोरोना की वजह से दो साल से पिछले लग ही नहीं रहा है, इस बार देखते हैं लगता है। फिलहाल तो वैसे चलते हैं स्कूल सामने सीधे रोड। जब स्कूल के आसपास ही पहुंच गए हैं लगभग, और सामने मतलब स्कूल है इसी रोड पे, तो पहुंचते हैं पहले वहाँ पे उसके बाद। ये सामने की तरफ जो दिख रहा है ये स्कूल है, तो चलते हैं इसके थोड़ा और पास। तो इधर से आगे तक पूरा फैला पड़ा है, आगे इधर भी जा रहे हैं क्योंकि खाली घूम के आ जाएंगे, काफ़ी झटके भी। तो इधर है स्कूल, मतलब आगे तक पूरा फैला हुआ है, और जब आगे की तरफ जाएंगे तो दिखाऊंगा। ये तो अभी ये वाली सामने की तरफ की बिल्डिंग अभी नई बनी है, तो चलते रहो चलते रहो। शाम के टाइम में पहली बार आया हूँ, बड़ा मस्त लग रहा है। तो ये वाला तो स्विमिंग पूल है, इसके अंदर जो ये दिख रहा है पूरा लंबा सा, ये पूरा स्विमिंग पूल है पीछे का। और इधर है ऑफिस स्कूल का, ये ऑफिस मतलब जैसे कोई ऑफिशियल काम है तो इस गेट से आते हैं, वरना हम लोग स्टूडेंट लोग सारे इधर वाले गेट से आते हैं अनऑफिशियली। तो इधर अंदर बस से खड़ी हुई है, तो हम लोग अभी पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, सीधे रोड पे जा रहे हैं, पापा लेके जा रहे हैं, हम चलते जा रहे हैं। तो इधर भी काफ़ी बढ़िया खेत वेत लगे हुए हैं, गेहूँ के खेत हैं, गेहूँ पक गया ना होगा, हाँ पूरा येलो येलो हो गया, मतलब गोल्डन टाइप सोने सोने जैसा सोने। तभी तो वो गाना बनाया हुआ ना, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। सामने की तरफ एक और स्कूल है, लेकिन हमें उससे कोई रिश्ता नहीं है, हमें अपने स्कूल से मजा आया, घुमा भी ली बड़ी जल्दी। तो उधर वो सामने मेरे स्कूल की बिल्डिंग चमक रही है, और हम मेरी को सोचिए पता नहीं कन्फ्यूजिंग है वो, इधर वाले एंगल से मैंने आज तक देखा नहीं कभी स्कूल बड़ा।
एक बिल्डिंग इधर है और छोटे बच्चों की रास्ते होने लग गई है, सोचते हैं जल्दी से अब शादी की तरफ भी होते हो जाएंगे, तो चलते हैं अब पीछे स्कूल है इधर पूरा स्कूल से आगे की तरफ आ रहा है, तो इधर से पूरा दिख रहा है इसमें, लेकिन आगे की तरफ की बिल्डिंग भी दिख रही है मंदिर, कोई बात नहीं कभी दिखाई मंदिर। हाँ मतलब हमारे स्कूल से ना जस्ट साइड में एक मंदिर भी है, तो मतलब जो हमारे स्कूल के जो एम डी हैं मतलब जिनका स्कूल है उन्हीं का वो मंदिर भी है, उन्हीं ने बनवाया है। इधर के ग्राउंड में तो कोई तैयारी नहीं चल रही है, पूरा खाली पड़ा हुआ है, नहीं मतलब ट्रक खड़े हैं सामान उतर रहा है, तो स्कूलों का सामान और जो भी दुकानें वगैरह लगनी होंगी उसका सारा सामान उतर रहा है। और इधर मंदिर है तो यहाँ पे पहले प्रसाद चढ़ाते हैं हम लोग, नवरात्रों के पूरे नवरात्र कम्प्लीट होने के बाद प्रसाद चढ़ाते हैं, फिर उसके बाद ही आगे मेले में घूमने आते हैं। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, तैयारी चल रही है दुकान वकान लगाने की, ये तो छोटी मोटी दुकानें लग भी गई हैं, काफ़ी बढ़िया मेला लगता है वैसे तो पूरा बहुत बड़ा, तो आएंगे हम लोग मतलब आते हैं वैसे तो हर साल, लेकिन पिछले दो सालों से बड़ा मिस कर रहे हैं इस मेले को, तो इधर की तरफ भी है और पीछे भी काफ़ी सामान उतर रहा है, और झूले तो दोबारा से लग रहे हैं, वो मतलब कहीं इधर उधर शिफ्ट होते रहते ना तो दोबारा से शायद पेंट करने के लिए दोबारा उतारे हैं, फिर उसके बाद अब लगा देंगे, पूरा सामान वामान सब आ गया है, तो इस बार बहुत मज़ा आने वाला है और आगे बहुत बढ़िया ब्लॉग आएगा, आप लोग ज़रूर देखना और लाइक भी करना उस ब्लॉग को, इस ब्लॉग को भी लाइक कर दो। तो अब चलते हैं, काफ़ी अंधेरा भी हो गया है और अब घर की तरफ चलते हैं, चलो। अभी घर पे आ गए हैं और गेट बंद कर दिया, मम्मी से हो नहीं पाता ना ऐसे खींचती तो दर्द हो जाता है, तो चलते हैं अंदर, पार टूट गया अभी भी सो रहा है, तो चलते हैं अभी अंदर, लाइटें वाइटें चला दी, बड़ा बैठा बैठा बैठ के तुम निकल गया पूरा पार्ट, तो अपना मजे से सोया पड़ा है लगभग कि पाँच बजे से पहले सोया था, चार बजे से साढ़े चार बजे सो गया था, अभी तक सोया पड़ा है, आज बढ़िया करके नींद निकाल रहा है, लेकिन रात को परेशान करेगा फिर रात को सोएगा नहीं, तो चलो फिर क्या कर सकते हैं, सो गया अब नींद थोड़ी उठा सकते हैं, तो थोड़ी देर बैठते हैं ऐसी मज़े करते हैं, फिर उसके बाद खाना खाएंगे, मतलब खाना पहले बनेगा उसके बाद खाएंगे। तो गाइस अभी रात के 9:30 बज रहे हैं और खाना वाना सब बन गया है, तो आज पालक पनीर बनाया है पापा ने बनाया है, तो पापा का वहाँ का खाना वैसे सही होता है, टेस्टी बनाता है वैसे तो, क्योंकि पापा कभी कभी बनाता ना इसलिए थोड़ा चेंज लगता है, इसलिए अच्छा लगता है खाने में, मतलब मम्मी के हाथ का भी अच्छा बनता है खाना, इतना ऐसा नहीं करना चाह रहा हूँ मैं, तो अभी मम्मी को दे दिया मैंने खाना, तो मैं भी खाने जा रहा हूँ, फिर कृष्णा अपना परसरा बैठा हुआ उसके बाद खाने चलते हैं, पापा तो अभी रोटी सेक रहे हैं फिर उसके बाद खाएंगे, तो मम्मी से रोटी भी नहीं बेली जा रही, बड़ी दिक्कत है यार, मतलब हल्का सा कमर में दर्द है, लेकिन उसकी वजह से पूरा 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 सब सबको बिल्कुल सब परेशान हो रखे, पूरा देश परेशान हो गया, जल्दी अभी खाना खाते हैं उसके बाद मिलेंगे। तो आज अभी रात के 10:30 बज गए और आज हम थोड़ा जल्दी सो जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने रोज़ तो 11:30 बजे जाते हैं 11:30-12, तो आज जल्दी सो जाते हैं, फिर कल सुबह मेरे को उठ के अपने स्कूल की फाइल भी बनानी है, तो परसों सबमिट होगी शायद वो स्कूल में, तो मतलब फाइनल एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ फाइल है, तो उसमें मार्क्स वार्क्स जो भी जुड़ेंगे वो तो टीचरों को पता होगा, बाकी मुझे तो पता नहीं, तो कल बनाएंगे फाइल पूरे दिन बैठ के, और ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करना है कल फाइल बनानी है, और बाकी देखते हैं थोड़ा बहुत और काम तो निकल ही आते हैं, तो अभी इस वीडियो को खत्म कर देते हैं, मैंने वीडियो वैसे एडिट कर दिया है बस, इसके बाद एक्सपोर्ट वगैरह अपलोड कर देंगे, तो वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और सब लोग आराम से सो जाओ।